Hey guys, welcome back to my new vlog. उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे अपने अपने घर पे। और आज मुझे कुछ बात करनी है। परिया ने बहुत शोर है यार, बहुत बहुत ज़्यादा शोर है। इसके लिए यहाँ पर नहीं, कहीं और चलते हैं। पर ये कैमरे पे क्या लगा है? हाँ भाई, हम लोग पहुँच गए। ये रही, यहाँ पे शोर तो नहीं है, इसके लिए यहाँ पर आया हूँ। और एक और चीज़, मैं अब भी पूरे टाइम बैठ के बात करने वाला हूँ, और ये ट्राइपॉड जो है वो मेरे हाथ में ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ रखने की जगह नहीं है मेरे पास। तो हाँ, कल मुझे एक कमेंट आया मेरे यूट्यूब चैनल पे कि भाई गोदी मीडिया के ऊपर वीडियो बनाओ। तो मुझे पता नहीं था गोदी मीडिया क्या है, मुझे पहले जाकर के सर्च करना पड़ा कि गोदी मीडिया है क्या। तो मैं यूट्यूब पे गया, मैंने सर्च किया और ध्रुव राठी का वीडियो देखा सबसे पहला, क्योंकि वो बंदा मुझे थोड़ा समझदार लगा था। फिर उनके वीडियो में उन्होंने जस्ट मजाक उड़ाया यार मीडिया का। इसे गलत बात नहीं है, वो उन्होंने फैक्ट्स भी बताए हैं वो क्यों मजाक उड़ा रहे हैं मीडिया का, ये चीज़ गलत नहीं है। पर किसी पूरी कम्युनिटी को कुछ लोगों की वजह से नाम दे देना वो अच्छा नहीं है, ठीक है। अगर आपको न्यूज़ देखना ही है तो आप ऑनलाइन भी वो चीज़ देख सकते हो। ज़्यादा आपका 15-20 मिनट जाएगा, वहाँ पर जा करके पढ़ लो या फिर कुछ देख लो। वो लोग आपको फैक्ट टू फैक्ट बात बताएंगे जो कट टू कट हो रहा है, ठीक है। मीडिया भी आपको सेम चीज़ बता रही है टेलीविज़न पे, पर दिक्कत क्या है कि वो लोग TRP के भूखे हैं, तो वो लोग कमा रहे हैं, सबको अपना पेट भरना है ना, तो वो लोग अपना भर रहे हैं। पर इससे क्या है कि वो लोग पब्लिक के अंदर एक डर पैदा कर दे रहे हैं, और डर होना चाहिए। ये चीज़ गलत नहीं है कि डर हो रहा है, डर होना चाहिए, पर गलत ये है ना भाई कि ज़्यादा डर आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। थोड़ा बहुत डर है सही है, आप समझदार बन के रहोगे कि हाँ आपको कुछ होना, ठीक है। पर अगर आप ज़्यादा डरने लगे ना तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा आप क्या कर रहे हो। ये वीडियो बनाने का मेरा सबसे पहला रीज़न ये था कि पब्लिक को अवेयर करना कि ये जो क्वारंटाइन है या फिर कोविड है, ये मीडिया चैनल पे देखने पे आपके दिमाग पे साइकोलॉजिकल लेवल पे क्या इम्पैक्ट कर रहा है। दूसरा रीज़न ये था कि मेरे एरिया में एक लड़का रहता था, उसने अभी थोड़े दिन पहले सुसाइड कर लिया, और रीज़न यही था कि उसे कोविड था। अब उसने ऐसा क्यों किया मुझे ये तो नहीं पता, पर ये भी एक डर हो सकता है न्यूज़ चैनल, क्योंकि वो लोग खाली यही बता रहे हैं कि कितने लोग की डेथ हो रही है, पर यार रिकवर कितने लोग हो रहे हैं वो इस बारे में कोई बात नहीं कर रहे। अगर आप जाकर के स्टैट्स देखेंगे तो काफ़ी लोग रिकवर हो रहे हैं यार, मतलब समझ लीजिए जो डेथ रेट है ना वो काफ़ी कम है। और वैसे भी ये कोरोना का नया स्ट्रेन है, जो कि पहले साइंटिस्ट ने कहा था कि जैसे जैसे इवॉल्व होगा वैसे वैसे कम डेडली होगा। हाँ, ये आपको अफेक्ट ज़्यादा करेगा पर इतना डेडली नहीं होगा। ये बात जो अभी मैं बोल रहा हूँ इसका कोई मतलब है? अभी संदीप महेश्वरी सर ने थोड़े दिन पहले एक वीडियो निकाला था जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप चाहे तो वो लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। उसके अंदर उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि ये जो वायरस है ये क्या करता है, ये किस तरीके से असर डाल रहा है, और जो हम लोग देख रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है हमारे ऊपर। मैं भले इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो सकता है नहीं कर पाया हूँगा, पर उन्होंने बहुत कमाल का एक्सप्लेन किया है। तो आप एक बार आप वो वीडियो को ज़रूर रेफर कीजिएगा। और हाँ, एक और चीज़, कोई भी चीज़ को सही या गलत ये कहने का हक मैं नहीं रखता, मैं बस इतना बता सकता हूँ कि मेरे लिए क्या सही है, और मैं वही दिखा रहा हूँ जो मेरे लिए सही है। आपके लिए क्या सही है वो आप खुद से देख सकते हो। अभी हॉस्पिटल्स की ऐसी हालत हो गई है कि वहाँ पे बेड नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, लोग उसके बिना मर रहे हैं। पर दिक्कत ये है कि आजकल ये चीज़ ब्लैक में चालू हो गई है, और ये चीज़ गलत है। आप लोग जो भी अपने नंबर रखते हो, आप जिसका भी आप नंबर रखते हो, अगर आप उन्हें जानते हो तो बात अलग है, पर अगर आप नहीं जानते, आपको वो कहीं से थ्रू नंबर मिला है, तो एक बार उस नंबर पे आपने कभी कॉल करके देखा है? वहाँ पे कितने लोग ऐसे ब्लैक में देने के लिए बैठे हैं, एक सिलेंडर की बॉटल वो लोग कम से कम 60-70 हज़ार में बेच रहे हैं, जो कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ी कीमत होती है। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा यार, इस टाइम पे बिजनेस करना वो सही नहीं होगा। देखो यार, प्रॉफिट कमाना गलत बात नहीं है, पर प्रॉफिट कमाने का एक तरीका होता है, और अगर इस समय अगर आप लोग प्रॉफिट कमाने की सोच रहे हैं ना, तो आपसे गिरा हुआ निहायती बेकार इंसान इस पूरी दुनिया में नहीं है, मेरा बस ये कहना है। और मैंने शुरुआत कहीं और से किया था, एंड कहीं और पे कर रहा हूँ,
बस मेरा यही मतलब था इस वीडियो को निकालने का, कि आप लोग कम से कम सोच पाएं कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है और किस तरीके से लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। हर तरीका अपनाएंगे उनको, कुछ लोग हैं उनको TRP कमानी है, बाकी कुछ लोग हैं उनको पैसे कमाने हैं। तो जो सही में हेल्प करने वाले लोग हैं ना, काफ़ी कम है और वो जल्दी किसी को मिलते नहीं हैं। आपको ही बताओ आपकी ज़िंदगी में कितने लोगों ने आपकी हेल्प की है और कितने लोग आपसे पीछे छुड़ाए हैं। मैं ऐसा मान के चलता हूँ जितने उन्होंने हेल्प किया है उनका रेशियो बहुत कम होगा, या फिर जितने जिन्होंने पीछा छुड़ाया है उनसे। तो इसी हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, आपको देख लो, बस कुछ गलत मतलब ना निकाल लेना इस वीडियो का। और अगर आपसे हो सकता है तो आप सामने वाले की हेल्प कर दो, नहीं हो सकता है कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बस इग्नोर मत करना। क्योंकि ये ऐसा टाइम चल रहा है ना कि अगर आप किसी को इग्नोर करोगे ना तो फिर उस बंदे के पास कुछ रह नहीं जाता है। अगर आप नहीं कर सकता तो उसको सीधा फैक्ट टू फैक्ट बता दो कि मैं नहीं कर सकता हूँ पर मैं इमोशनली हर चीज़ में तेरे साथ हूँ, अगर कुछ भी गलत होता है तो हम लोग साथ में मिल करके झेल लेंगे। तो बस इतना जो मैं बात किया वो काफ़ी है, और शायद तक मैंने अगर कुछ गलत बोल दिया हो, किसी को बुरा लग गया हो तो माफ़ कर देना, अभी छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना और क्या ही बोल सकता हूँ मैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पे शाम हो गई है और अंधेरा हो रहा है, तो मुझे ये वीडियो ना चाहते हुए भी एंड करना होगा, अभी काफ़ी शाम हो गई है। तो मिलते हैं बाद में, बाय बाय, टाटा, सी यू, साइनिंग ऑफ फ्रॉम ज्ञानेंद्र। It's not a game, it's a rage game.